नमस्कार, मैं प्रिया। आज 24 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जरूर लीजिए टीका, बिहार में इस दिन चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। आज होगा पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। बिहार की सड़कों पर बहाली के लिए फिर से उठाई जाएगी आवाज। अब आधार कार्ड में आसानी से अपडेट करें अपना एड्रेस। आज लंबे समय बाद भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान की टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लीजिए टीका, बिहार में इस दिन चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। बिहार में जल्द ही विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। बीते दिन बिहार में कोरोना संक्रमण के वर्तमान हालात को देखते हुए सीएम नीतीश की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करवाई गई थी, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही बचे हुए लोगों के टीकाकरण को लेकर 28 अक्टूबर और 7 नवंबर को विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही गई है, क्योंकि फिलहाल त्योहार का मौसम है। ऐसे में दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने 25 अक्टूबर से हर दिन 2,00,000 कोरोना टेस्टिंग का लक्ष्य भी तय किया है। बिहार में जल्द ही मिल सकती है पर्याप्त मात्रा में यूरिया और खाद। बिहार के कई जिलों में किसान बीते कई दिनों से यूरिया और खाद की कमी की शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन अब किसानों की मांग को आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिन बिहार में यूरिया और खाद उपलब्ध करवाने को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही खरीफ फसल के लिए यूरिया की कमी से किसानों को हुई परेशानी को देखते हुए अभी से ही रबी फसल के लिए डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता कराने का अनुरोध किया है। उनका कहना था कि इस साल अच्छी बारिश होने के कारण खेतों में नमी है, जिससे अधिक रकबे में रबी की बुआई की संभावना है। बिहार में अगले महीने से शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। बिहार के शहर और गली नुक्कड़ कितने स्वच्छ है, इसको लेकर अगले महीने से स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत होने वाली है। हालांकि ये तीसरा चरण होगा जब इसकी शुरुआत की जाएगी। यही कारण है कि जानकार भी इसे सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण मान रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये चरणवार करवाई जाएगी, जिसके तहत पहले चरण में 1,00,000 से कम आबादी वाले शहरों की जोनल रैंकिंग, जबकि दूसरे में 1,00,000 से ऊपर वाले शहरों में 2 भाग की रैंकिंग की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी निकायों को टूल किट देकर तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें आबादी के अनुसार शहरों को परखने का काम किया जाएगा। आज होगा पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। बिहार पंचायत चुनाव के 4 चरणों के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद आज 5वें चरण में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसको लेकर कुल 93,145 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके तहत आज 58 प्रखंडों में वोट डालने का काम किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय भी पूरी तरह से तैयार है। राहत की बात यह है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अभी तक 4 चरणों में हुई वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हालांकि चुनाव आयोग आज खास सावधानी भी बरतने वाला है, क्योंकि इनमें से 10 ऐसे जिलों के नाम शामिल है जो दहशतगर्द है। इन जिलों में सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन करवाना अपने आप में ही एक चुनौती होने वाली है, जिसके तहत ही पांचवें चरण में लगभग 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अब गांव की सड़कों को भी किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। ग्रामीण कार्य विभाग जल्द ही गांव की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की योजना बना रहा है। इसको लेकर विभाग ने यह तय किया है कि वो अपना अमीन और सर्वेयर की बहाली करेगा। अभी विभाग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे विभागों से अमीन और सर्वेयर की सहायता ले रहा है, क्योंकि अतिक्रमण के कारण सड़कों की मापी या सर्वे के काम में परेशानी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सड़कों के निर्माण में सर्वेयर और अमीन की अहम भूमिका होती है। इसी तरह सड़कों का अतिक्रमण अगर हो जाए तो उसे खाली कराने में भी अमीन की भूमिका होती है। ऐसे में अमीन और सर्वेयर नहीं होने के कारण सर्वे या मापी के कार्यों में अनावश्यक देरी होती है, लेकिन अब इस समस्या का निजात विभाग ने निकालने का निर्णय ले लिया है। तबादले के साथ ही अधिकारियों के चहेते ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मिलेगी छुट्टी। बिहार में सरकारी नौकरी के साथ साथ कई ऐशो आराम भी मिलते हैं, और कोशिश यही होती है कि जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं वो आगे भी रहे, जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड के नाम शामिल है। लेकिन अब एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार और एडीजी विधि व्यवस्था विनय कुमार के आदेशानुसार इसको लेकर पुलिस मुख्यालय अब सख्त हो गया है, जिसके तहत अब किसी भी स्तर के अधिकारी का किसी अन्य स्थान पर तबादला हो जाता है तो वो अपने पुराने बॉडीगार्ड, ड्राइवर या अन्य सहयोगियों को साथ नहीं ले जा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि तबादले के बाद कई अधिकारी अपने चहेते बॉडीगार्ड या ड्राइवर को अपने साथ ही ले जाते हैं या रखे रहते हैं, यानी कि अब अधिकारियों को नए स्थान पर पुलिस महकमे के स्तर से अलॉट किए गए नए बॉडीगार्ड समेत अन्य को अपने साथ रखना होगा। ज्ञात हो यही नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू किया गया है।
बिहार की ओबीसी छात्राओं के लिए खुलेगा खास स्कूल। बिहार की सभी ओबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार जल्द ही सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू स्कूल खोलने जा रही है। इसको लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डीपीआर पावर प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो कि जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्लस टू स्कूल खोलने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। हालांकि यह स्कूल कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही कंप्यूटर लैब की स्थापना भी की जाएगी और वाईफाई सुविधा भी दी जाएगी, जिस पर कुल खर्च 114 करोड़ 37 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है। तेजी से दस्तक दे रही है ठंड। बिहार में ठंड तेजी से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसके कारण राजधानी पटना समेत राज्य भर के अधिकतम जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान के लगातार कम होने के कारण ठंड ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि दिन के समय धूप की वजह से राहत है, लेकिन सूरज के ढलते ही सर्द हवाओं का एहसास होने लगता है, खासकर की अहले सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। वहीं राज्य भर में अब बारिश की कोई संभावना नहीं लग रही है, बल्कि मौसम भी शुष्क देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन यूपी से झारखंड में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में उत्तर पूर्व के इलाके में एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल हवाओं की गति सामान्य चलेगी, दिन के वक्त मौसम साफ रहने वाला है। बिहार की सड़कों पर बहाली के लिए फिर से उठाई जाएगी आवाज। बिहार में भले ही सरकार रोजगार दिलाने के कई दावे करती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि रिक्तियां पड़ी हैं। परीक्षाओं का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थी बहाली को लेकर सरकार के उदासीन रवैये का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रथम इंटर स्तरीय बहाली काउंसिलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का भी है। हालांकि अब इन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब इन अभ्यर्थियों ने 27 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया जाएगा, जिसका हैशटैग बीएसएससी वादा पूरा करो है। फिर भी अगर बात नहीं बनी तो छात्र 1 से 3 नवंबर तक सड़क पर अनशन के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके हैं। विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का कोर्स करने वालों को मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आप भी पत्रकारिता का कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से इस कोर्स को करने वालों के लिए खास ऑफर आया है, जिसके तहत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता और जनसंचार में एमए करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मान्य कर दिया है। इसको लेकर आवेदन की स्वीकृति और वितरण का कार्य नियमानुसार किया जाएगा। ध्यान रहे, इसके लिए छात्रों के पास केवल 3 नवंबर तक का ही समय है। दानापुर से कोटा के लिए चलेगी दिवाली और छठ स्पेशल। रेलवे की तरफ से दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के मुख्य परिचालन प्रबंधक ने सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 09871 09818 कोटा दानापुर कोटा फेस्टिवल स्पेशल 2 नवम्बर 5 नवम्बर और 11 नवम्बर को चलाई जाएगी। वहीं वापसी में 09818 दानापुर कोटा फेस्टिवल स्पेशल दानापुर से 3 नवम्बर 6 नवम्बर और 12 नवम्बर को खुलेगी। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन दानापुर से खुलने के बाद आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ, ग्वालियर के अलावा दूसरे स्टेशन पर भी रुकेगी। सीतामढ़ी के जानकी स्थान और उर्बीजा कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर जानकी स्थान और उर्बीजा कुंड है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 साल पूर्व उसके अंदर उर्बीजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी स्थान के मंदिर में की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड की खुदाई के समय उसके अंदर निकली थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार सेना तैयार। बीसीसीआई की तर्ज पर जल्द ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस टूर्नामेंट को लेकर बिहार की 23 सदस्यीय टीम भी चुन ली गई है। इसको लेकर बीसीए के मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल ने भी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बीसीसीआई की तरफ से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उसका पालन करते हुए बिहार की टीम 5 दिनों के क्वारंटीन पीरियड से गुजरने वाली है। इसके बाद ही वो अपने अभ्यास सत्र के लिए जाएगी, जिसके बाद बिहार की टीम अपने एलीट ग्रुप डी में 4 नवम्बर को रेलवे के साथ पहला मुकाबला खेलने वाली है। वहीं 5 नवम्बर
नवंबर को अपना दूसरा मुकाबला केरल के साथ, 6 नवंबर को तीसरा मुकाबला असम के साथ, वहीं 8 नवंबर को चौथा मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ, जबकि पांचवा मुकाबला और लीग का अंतिम मुकाबला 9 नवंबर को गुजरात के साथ खेलने वाली है। इसको लेकर टीम 27 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना होगी। आपको बता दें, इस टीम का प्रतिनिधित्व आशुतोष अमन करने वाले हैं। अब कम होगी पटना से दिल्ली की दूरी। अब दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि अब पटना से दिल्ली की दूरी कम होने वाली है। मार्च तक फोर लेन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पूरा हो जाएगा, जिसके कारण ही दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर बक्सर आरा राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर बक्सर से कोइलवर के बीच फोर लेन सड़क निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि काम तो इस साल ही पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण और दूसरी लहर की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई थी। इसके साथ ही कुछ जगहों पर पुलियों का निर्माण भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से निर्माण कार्य को पूरा करने की अवधि मार्च तक बढ़ाई गई है। अब आधार कार्ड में आसानी से अपडेट करें अपना एड्रेस। आधार कार्ड आज के समय में एक अहम दस्तावेजों में से एक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के आधार कार्ड में गलत एड्रेस दर्ज हो जाता है। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से अपना एड्रेस आधार कार्ड में बदलवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट UIDAI लिंक ssup.uidai.gov.in पर लॉगिन करें। इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करें। अब 12 डिजिट वाले UIDAI नंबर को एंटर करें। अब सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यहां आपको आपके आधार कार्ड के डिटेल दिखने लगेंगे, जिसके बाद सुझाए गए 32 डॉक्यूमेंट में से किसी एक को ID और एड्रेस प्रूफ के लिए सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा, जिसके बाद आसानी से आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। बिहार UGEAC 2021 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत उम्मीदवार अपना बिहार UGEAC काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट इस बात का ध्यान दें कि बिहार UGEAC काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 नवंबर 2021 तय की गई है, वहीं bcecebord बोर्ड 6 नवंबर को JEE मेन में उम्मीदवारों के स्कोर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा। बिहार UGEAC मेरिट लिस्ट में आने वाले लोग काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। बिहार के इन 4 शहरों में प्रदूषण मुक्त और ध्वनि मुक्त बनेगी दिवाली। अब बस कुछ ही दिनों में जल्द ही दिवाली का त्यौहार आने वाला है। इसको लेकर अभी से ही जहां घरों में साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दिवाली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिवाली को लेकर अपना नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत NGT के आदेश के तर्ज पर ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों में DM और SSP को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार न तो पटाखा बिक्री के लिए नए लाइसेंस को जारी किया जाएगा और न ही पुराने लाइसेंसधारी को पटाखा बेचने की अनुमति होगी, जिसके तहत इस दिवाली राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। यानी कि इस बार दीपावली में पटाखा बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं मिलेगा और पुराने लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बिहार के बाकी जिलों में इको फ्रेंडली पटाखा फोड़ने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन वो भी केवल रात 8 बजे से 1 बजे तक ही। लालू के आगमन की खबर पर सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी। बीते दिन मीडिया में ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि आज लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ लंबे अरसे के बाद बिहार पधारने वाले हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश देखने को मिला। हालांकि इन सब के बीच लालू यादव के आगमन को लेकर सीएम नीतीश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। भले ही सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचना ही सही समझा, वहीं बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने लालू की बिहार वापसी पर जमकर भड़ास निकाली, जिसके तहत गुस्से में आग बोला नरेंद्र सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट ने जमानत दी थी ताकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर सुधार कर सके, लेकिन वो इसका फायदा राजनीति के लिए करने के लिए उठा रहे हैं। चिराग के खास ने चाचा जी को दिखाया आईना। सौरभ पांडे चिराग पासवान के बहुत ही खास माने जाते हैं। वहीं अब सौरभ पांडे ने बीते दिन पशुपति पारस का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने पत्र जारी करते हुए लिखा कि 15 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को यूं ही भेंट चढ़ा देना चाहिए? क्या मात्र राजनीति में गठबंधन किससे हुआ किससे नहीं, इस बात पर आप पारिवारिक दूरी बना ले, यह उचित नहीं दिखता। रामविलास पासवान मुझसे अक्सर कहा करते थे कि MP MLA हजारों होते हैं, लेकिन नेता कोई कोई ही होता है। मुझे खुशी है कि उनका बेटा आज नेताओं की श्रेणी में आ रहा है। मुझे विश्वास है कि चिराग पासवान वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें उनके पिता देखना चाहते थे। कमोबेश सौरभ ने अपने पत्र में पशुपति पारस के रवैये को लेकर आईना दिखाने की कोशिश की है। कुशेश्वर था
बयान में तेजस्वी ने फिर कही खेला होने की बात। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जारी है और कई बड़े चेहरे मैदान में जीत के इरादे से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार तैयारियों में जुटे हैं, जिसके तहत बीते दिन तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने राजद प्रत्याशी गणेश भारती के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी ने एक बार फिर से दोनों सीटों पर जीतने के बाद खेला होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमको पूरा विश्वास है कि जो जगह उपचुनाव चल रहा है, अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो खेला होना तय है, ज्यादा अंतर नहीं है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि वोटिंग के दिन सचेत रहिएगा। ललन सिंह ने जदयू के पक्ष में की दर्जनों नुक्कड़ सभाएं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जदयू की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी लगातार प्रचार प्रसार का हिस्सा बने हुए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उनका चौथा प्रचार अभियान था। इस दौरान उन्होंने संग्रामपुर प्रखंड के झिट्टी, सरकटिया रविदास टोला, दादरी जाला, भिकाडी, चंदनिया, जमुआ, बढ़ौनिया, संग्रामपुर बाजार सहित दर्जनों गांव में नुक्कड़ सभा की और जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने आगामी उपचुनाव में जदयू के प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की है। साथ ही सीएम नीतीश की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में आज के दिन की थी। शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1605 को आगरा में गद्दी संभाली थी। कल्याण और भिवंडी के शासन के 1657 को अधीन आए थे। इसके साथ ही सुधा माधवन मैराथन में 1982 को दौड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। भारत सरकार ने इन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मानित मन्ना डे का निधन भी 2013 में हुआ था। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का निधन 2017 में आज के दिन हुआ था। आज लंबे समय बाद भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान की टीम। आज शाम 7 बजे दुबई के मैदान में रोमांच अपने चरम पर होगा, जो भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में 24 अक्टूबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। भारत ने अपने दोनों वार्म अप मैचों में जीत दर्ज की है। पहले मैच में इंग्लैंड और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं पाकिस्तान को अपने दूसरे वार्म अप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारत की तरफ से विराट कोहली को छोड़कर अन्य सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आसिम अली और बाबर आजम शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यह भी बता दें कि इससे पहले सभी टी20 विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और इस बार भी भारत की टीम पाकिस्तान से मजबूत नजर आ रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,770 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,010 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 110.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 102.31 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में जल्द ही बनेगा मंकी पार्क। बिहार में जल्द ही मंकी पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अररिया जिले के हिंगला आरोही में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है। नीरज कुमार बबलू की माने तो यह पार्क बिहार ही नहीं देश के लिए अनूठा पार्क होगा, क्योंकि पार्क में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पार्क को महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा जाएगा, जिसके तहत लोग इस पार्क को रेणु वन के नाम से भी जानेंगे। इसके साथ ही बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोहतास जिले के तुतला भवानी के फॉल का सुंदरीकरण कराया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, गौतम कुमार, माही आनंद, हेमंत, आजाद आला, कुलवंत सिंह, प्रिंस कुमार, नेहरू कुमार, भरत प्रसाद, राजीव कुमार, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, विजय घायल, सुगीबल प्रजापति, सुनील कुमार, नीरज कुमार, सुरेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले आज के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।